श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पूजन करता स्नान करके आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सामने रखें। इन्हें अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। माथे पर अपनी पसंद के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए चार बार आचमन करें। अब मंत्रों को बोले, ओम ए आत्म तत्व शोध्यामी नमः स्वाहा, ओम ह्री विद्या तत्व शोध्यामी नमः स्वाहा, ओम क्ली शिव तत्व शोध्यामी नमः स्वाहा, ओम ए ह्री क्ली सर्व तत्व शोध्यामी नमः स्वाहा। अब प्राणायाम करके श्री गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। अब पवित्र स्थोग वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल अक्षत और जल लेकर निम्नांकित रूप से संकल्प करें। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योगरत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमः परमात्मने। श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुरज्ञय प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्रीष्मित्वरा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरिष्ट विंशति तमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तिकदेशे पुण्य प्रदेशे बोधावतारे वर्तमाने यथानाम संवत्सरे अमुकामने महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक राशिस्थिते सूर्य अमुकामुक राशिस्थिते शुचंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सत्सु शुभ योगे शुक्रणे एवं गुण विशेषण विशिष्टय शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम अहम ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्रीनव दुर्गानुग्रहतो ग्रहकृतराजकृत सर्वविद्या निवृत्ति पूर्वकम् नैरुज्य दीर्घायुः पुष्टिधन्य समृद्ध्यर्थ श्रीनव दुर्गा प्रसादेन सर्वापन निवृत्ति सेवाभीष्ट फलवाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थ शापोधर पुरस्पर कवचार्गला कील कपाट वेतंत्रोक्त रात्रिसूक्त पाठ देव्य थर्वशीर्ष पाठन्यास विधि सहित नवारुण जप सप्तशती न्यास धन्यान सहित चरित्र संबंध विनियोगन्य सिद्ध्यान पूर्वकम् च। माकंडेय उवाच, सावर्णी सूर्यत्नयो यो मनु कथ्यते स्म इत्याद्यारभ्य सावर्णीर्भाविता मनु इत्यन्तं दुर्गाश्चति पाठ तदन्ते न्यास विधि सहित अनवारण मंत्र जपम वेतंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ रहस्यत्रय पठन शापोधरादिकम् च कृषि करिष्यामि। अब प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। अब मूल नवारण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करें। अब उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। अब शापोधार करना करेंगे। अब इस मंत्र का 7 बार जप करेंगे, यह शापोधार मंत्र कहलाता है। अब इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्री क्ली श्री क्रांक्री चंडिका देव्याई शापनाशा गुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। अब 7 बार मृत संजीवनी विद्या का जाप करेंगे। ओम ह्री ह्री वम वम अमृत संजीवनी विद्या मृतम उत्थाप्योत्थापय ह्री 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 वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री श्री क्ली हूँ ओम एक्षोभय मोहय उत्कीले 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 थर्था। अब रुद्रयामल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्र का जाप करेंगे। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद संवेदाधिपति ब्रह्मान विषय सर्वेश्वर्य करिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीज हुई शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्धय अर्थे जपे विनियोग। ओम प्री री रित स्वरूपिण्य मधुके भमर दिन्य ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्री बुद्धि स्वरूपिण्य महिषासुर सैन्यनाशिन्य ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम रम रक्त स्वरूपिण्यय महिषासुर मर्दिन्यय ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शपाद विमुक्ता भाव। ओम क्षुन बुधा स्वरूपिण्यय देववंदिताय ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शपाद विमुक्ता भाव। ओम छा छाया स्वरूपिण्यय दूत्सवादिन्यय ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शपाद विमुक्ता भाव। ओम श्रम शक्ति स्वरूपिण्यय धूम्रलोचन घातिन्यय ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शपाद विमुक्ता भाव। ओम त्रिन त्रिषा स्वरूपिण्यय चंडमुंड वत्कारिण्यय ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शपाद विमुक्ता भाव। ओम क्षा शांति स्वरूपिण्यय रक्त बीजवत्कारिण्यय ब्रह्मशिष्ठ विश्वामित्र शपाद विमुक्ता भाव।
ओम जा जाति स्वरूपिण्य निशुम्भवत्कारिण्य ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम लम लज्जा स्वरूपिण्य शुम्भवत्कारिण्य ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम शांत शांति स्वरूपिण्य देवस्तुत्य ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्य सफलदात्रय ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम का कांति स्वरूपिण्य राजवरप्रदाय ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम मां मात स्वरूपिण्य नर्गुल महिम सहिताय ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम ह्री श्रीं दुन दुर्गायै सम सर्वेश्वरिकारिण्य ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम ऐं ह्री क्ली नमः शिवायै अभेद्यक्ष स्वरूपिण्य ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम क्री काल्यै काली ह्री फट स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्य ब्रह्मवशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भव। ओम ऐं ह्री क्ली महाकाली महालक्ष्मी महास्वस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। एतेव हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडीपाठ दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशयः एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठ करोति यः। आत्मान चैव दातार क्षीण कुर्यान् संशयः। अर्गला स्तोत्रम् अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप् छन् श्री महालक्ष्मी देवता मंत्रोदिता देव्यो बीज नवार्णो मंत्र शक्ति श्री सप्तशती मंत्रस्तत्व श्री जगदंदा प्रीत्यर्थे सप्तशती पठा गत्वेन जप्य विनियोग ध्यान। ओम बंधु कुसुमाभासा पंचमुंडा दिवासिनी स्फुरत चंद्र क्ला रत्न मुकुटा मुंड मालिनी त्रिनेत्रा रक्त वसना पीनो नद घटस्तनी पुस्तकम चाक्षमाला च वर चाभयकम प्रमाद दद्ति संस्मयन नित्य मुतराम नाय मान्यता अथवा या चंडी मधुकेट भादी दत्य दलनी या माहिशोन मुलिनी या धूम्रक्षण चंडमुंड मथनी या रक्त बीजाशिनी शक्ति शुम्भनि शुम्भ दत्य दलनी या सिद्धि दात्री परा सा देवी नव कोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ओम नमश्चंडिका एमा किंडयो उवाच ओम जयत्वा देवी चामुंडे जय भूता पहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते मधुकैट भविद्रवि विधातृ वरदे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते रूपा देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि महिषासुर निर्नाशी भक्ताना सुखदे नमः रूपा देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि धूम नेत्र वधे देवी धर्म कामार्थ दायिनी रूपा देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपा देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि निशुम शुम निर्नाशी त्रैलोक्य शुभदे नमः रूपा देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि वंदी तांद्रयुगे देवी सर्वसौभाग्य दायिनी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि नतेव्या सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि स्तुवत भयो भक्ति पूर्वत्वा चंडिके व्याधि नाशिनी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि चंडिके सततम युधे जयंती पापनाशिनी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि देवी पर सुख रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि विदेहि देवी कल्याणा विदेहि विपुलाश्रियम रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि विदेहि द्विषता नाशा विदेहि बलमुच्चिकय रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि सुरासुर शिरो रत्न निगृष्ट चरणेम्बिके रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतं च मा कुरु रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि देवी प्रचंड दोर्दन दैत्य दर्प निशुदिनी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि प्रचंड दैत्य दर्प अर्घ्ने चंडिके प्रणताय में रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि हिमाचल सुतानात संस्तुते परमेश्वरी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि देवी भक्तजनोदाम दत्तानंदो एम्बिके रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि भार्या मनोर्मा देहि मनोवृतानुसारिणी रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि तारिणी दुर्ग संसार सागर से अचलो में रूप देहि जय देहि यशो देहि द्विशो जहि इदं स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठे नरः सप्तशति समाराध्य वर्माप्नोति दुर्लभ इति श्री अर्गला स्तोत्रम समाप्तम अथ कीलकम् उवस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप् छद् श्री महास्वस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशति पाठांगत्वेन जपे विनियोग उ नमश्चंडिकायै माकण्डेय उवाच उ विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चिक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्व में तद विजानियान मंत्रानाम भी कीलकम् सोपि क्षेम वाप्नोति सततम जाप्य तत्पर सिद्धयन्त्युचाट नादिनी वस्तुनी सकलान्यपि अतेन स्तुवता देवी स्तोत्र मात्रेन सिद्धयति।
न मंत्रो नौषधम तत्र न किंचित्पि विद्यते। विना जाप्येन सिद्धयेत् सर्वमुच्चात्मनादिकम्। सम्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमाः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार्ष। समाप्तिं च पुण्यस्य ता यथावन्नियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षिं वाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णाय वा चतुर्दश्यमष्टम्य वा समाहित। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्किला विधायिना नित्यं जपति संस्फुटम्। स सिद्ध स गण सोऽपि गन्धर्वो जायते न चैवाप्यक्तस्तस्य भयं क्वापि जायते। नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वानो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुध। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यके। भवत्येव सम्राप्य तत् प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपात्। शत्रुहानि परो मोक्ष स्तुवते सा न किञ्जनय। इति देव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ देव्या कवचम् विनियुगः। ओम् अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमतरो बीजम्बि गबन्धदेवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम् नमश्चण्डिकायै माकण्डेय उवाच। ओम् यद्गुह्यं परमं लोकये सर्वरक्षाकर्मणाम् अङ्कस्य चिदाख्यात् तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यत्मन् विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष महामुने। प्रथमा शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटिति कुष्मांडति चतुर्थकम् पंचमा स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमा कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। अग्निता दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणगता। न तेषा जायते किञ्चित् शुभरण संकटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषा वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। प्रीत्संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमानरूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखेवाहना लक्ष्म्या पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हस्मारूढा सर्वाभरण भूषिता एतिता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाध्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोत्स्माकुला शंख चक्रम गदा शक्तिन हलम च मुसलायुधम कीटकम तोम चैव परशुन पाशमेव च कुंतायुध त्रिशूलम च शांगमायुधमुत्तमम दैत्याना देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि देवाना च हिताय वस नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महावले महोत्साहे महाभैविनाशिनि त्राहि मा देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुना भयवर्धे प्राच्या रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्या खड्गधारिणी प्रतीच्या वारुणी रक्षे व्यव्या मृगवाहिनी उदिच्या पातु कौमारी ऐशान्या शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणी मे रक्षेधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्छा मुंडा शववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठ अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धनी व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुव रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले च शांकरी नासिकाया सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वाया च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेद्वाचा मे सर्वमंडला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिका नलकुबरी स्कंधयोः खंगिनी रक्षेद् बाहु मे व्रजधारिणी हस्त्योर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांदुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेद् कुक्षौ रक्षेद् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेव्रम गुदे महेशवाहिनी कत्या भगवती रक्षेत् जननी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्योनार सिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिषु श्री रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी दनष्ट्राक्राली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा सामांसा निस्थिमिदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस् तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम्भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षेच्छाया छत्रेश्वरी तथा
अहंकार मनोबुद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान मुदांच वज्रहस्ता च में रक्षित प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्व रजस्तमश्च रक्षेनारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धन विद्या च चक्रिणी गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी थान सुपथा रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीन तु यत्स्थान वर्जित कवचेन तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकम् न गच्छेतु यदिच्छेच्छु भमात्म कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत् तत्रार्थलाभच विजयः सार्वकामिकः यम यम चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः इदं तु देव्याः कवचं देवानाम्पि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसिंध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेतस्य त्रैलोकेष्व पराजितः जीवेद् वर्षिष्ठं सागरं पमृत्यु विभजितः नश्यन्ति व्याध्या सवे लुत विस्फोटकादय स्थावर जन्मन चै कृत्रिम चापी यद्विषु अभिचारानि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला दाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोरा दाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्ते जोवृद्धिक यशसा वर्धते सोपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् स क्षति चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते स शैलवन् कान्वन् तावत् तिष्ठति मेदिन्या सन्ततिः पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थान यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लब्धे परमं रूप शिवेन सह मोदते ओम इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम् ओम दुर्गे नमः।